प्रतीक सहजपाल ने दिव्या अग्रवाल को कहा फेक, आखिरकार क्यों, क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आप सभी को बता दूं कि बिग बॉस के घर में हर एक कंटेस्टेंट्स की आपसी में तो बिल्कुल नहीं बनती है, और डे वन से हम प्रतीक और दिव्या के हर एक झगड़ों को जानते हैं। प्रतीक वर्सेज दिव्या हमेशा से सुर्खियों में बना रहा है, ऐसे में अब प्रतीक ने दिव्या को कह डाला है फेक। प्रतीक का कहना है अगर फीमेल मोस्ट फेक एक्ट्रेस के नॉमिनीज में दिव्या का नाम सबसे पहले आना चाहिए और दिव्या इसकी विनर भी बनना चाहिए, क्योंकि दिव्या हमेशा से फेक रही हैं। दिव्या कभी भी जिशान के साथ थी ही नहीं, दिव्या हमेशा से जिशान को इंस्टिगेट करने की कोशिश करती थी, और इंस्टिगेट करने की वजह से ही ये झगड़े हुए, और ये झगड़े होने की वजह से ही जिशान बाहर हुआ है। इसी के साथ तो प्रतीक का कहना है कि जिशान मोस्ट ऑफ द टाइम तो मिलिंद के साथ स्पेंड करते थे, तो कनेक्शन किस नाम का था जिशान और दिव्या का। इसके अलावा प्रतीक का कहना है कि अगर किचन ड्यूटीज में कहीं ना कहीं अगर दिव्या कोई ना कोई अगर जमीना करती है या अपनी नखरे दिखाती है तो हम दिव्या को साइडलाइन कर देंगे। ऐसे में देखते हैं आखिरकार दिव्या कैसे दिखती है कैमरास पर। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर प्रतीक सहजपाल कर रहे हैं डिस्कशन कि कैसे साइडलाइन किया जाए दिव्या अग्रवाल को। इसी वजह से दिव्या को कह डाला है प्रतीक ने फेक। अब आने वाले समय में देखना होगा दिलचस्प कि आखिरकार अगला बॉसमैन और बॉस लेडी कौन बनता है घर का, और अगर वाकई प्रतीक बनते हैं तो दिव्या के साथ क्या कुछ ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, ये देखना होगा काफी दिलचस्प। गाइज, क्या आप एग्री करते हैं प्रतीक सहजपाल के स्टेटमेंट से कि दिव्या अग्रवाल है फेक? कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस शेयर करें। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।